Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am Priyanka and we were doing class 8 series. हम कर रहे थे chapter number 8 that was comparing quantity which has many parts. और ये ICSE का 7th chapter है, percentage का ही एक part, profit loss, discount, tax, सारी चीजें आ जाती है. So उस part को हम continue रखते हैं. Percentage हो गया, आज बारी है profit loss discount की. तो चलो शुरू करते हैं. Now, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई सेलर है कोई बायर है, राइट? तो इसी एग्जांपल के साथ में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे वो भी मैं लिख दूंगी, जिसको तुम नोट डाउन जरूर से करना. तो जैसे एक सेलर है जिसका नाम है एस और बायर है जो है बी. ओके, अभी जो सेलर है वो पेंसिल बेच रहा है, ठीक है, क्या बेच रहा है, पेंसिल बेच रहा है. और उस पेंसिल को उसने जब बनाया तो उसने जितने भी मटेरियल लाए उन सब का उसका जो कॉस्ट हुआ, दैट इज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में अभी सीपी लिखेंगे. सो उसका कॉस्ट प्राइस उसको लगा 2 रुपीज, राइट? लेकिन जब वो सेल करना चाहता था तो उसने थोड़े से ज्यादा दाम में बेचा, तो उसने उसकी सेलिंग प्राइस दैट इज SP वो उसने कर दी 3 रुपीज, राइट? 3 रुपए में उसने बेचा. तो ऐसा क्यों किया उसने, जितने की भी चीज थी उसे हमेशा ज्यादा क्यों लगाया, बिकॉज उसको प्रॉफिट कमाना था. सो उसने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमाया, 3 रुपीज माइनस 2 रुपीज, तो उसका 1 रुपी का प्रॉफिट हो गया, राइट? ये 1 रुपी का उसका प्रॉफिट है. सो हम जब सेलिंग प्राइस, मतलब हम जब प्रॉफिट लॉस करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं सीपी एंड एसपी. ओके, अगर एसपी बड़ा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, और अगर एसपी छोटा है तो उसको लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट जो हम आगे यहां पे करेंगे, बिकॉज ये परसेंटेज का ही पार्ट है, तो हम निकालना सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज. तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ये सेलर एस जो है ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, नीचे हमेशा सीपी लिखो दैट इज रुपीज 2, और परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 करते, ये हमने सीखा था. सो 1 रुपी दैट इज प्रॉफिट, नीचे है सीपी इनटू 100. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 50, यानी उसको 50% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है. सो ये अगर लॉस होता तो सेम काम हम करते, लॉस ऊपर होता नीचे सीपी होता, से हम परसेंटेज निकालते हैं. अब मैं तुमको कुछ फॉर्मूलाज ऐसे बताऊंगी जिसमें कि सीपी भी हम परसेंटेज के ही पार्ट से निकाल सकते हैं, एसपी भी परसेंटेज के एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है. सो ये सारे फॉर्मूलाज देती हूँ एंड यू विल नोट डाउन. तो देखो ये रहे सारे फॉर्मूलाज जिनको हम यूज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. ना पहला है प्रॉफिट इज इक्वल टू, जैसे मैंने करके बताया था, एसपी माइनस सीपी, यानी लॉस क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि सीपी बड़ा होता है इसलिए सीपी माइनस एसपी. प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट ऊपर रखो, जितना अमाउंट है प्रॉफिट का, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. भले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंट तुम देख रहे हो, नीचे हमेशा सीपी है, एसपी नहीं होता. तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यहां लॉस भी निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी होने से नहीं चलेगा. एसपी का एक और फॉर्मूला है, जैसे हम इससे भी एसपी निकाल सकते थे, एसपी क्या होता है, सीपी में प्रॉफिट ऐड करो तो एसपी हो जाएगा, या यहां पे एसपी क्या होगा, सीपी में से लॉस माइनस कर दो तो. लेकिन यहां पे एसपी का एक और फॉर्मूला है जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो तो, ठीक है. सो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली अगर लॉस हो तो बस इतना सा फर्क है कि यहां माइनस लॉस परसेंटेज है, ठीक है. जैसे मैं एक कोई छोटा सा सम करके बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस है ₹50, ठीक है. अभी मुझे अगर ये थर्ड नंबर प्रॉफिट के परसेंट निकालना हो, क्यों प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमें दिख रहा है एसपी बड़ा है. सो बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोले तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी 200. अभी प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 50 माइनस 20, नीचे क्या होगा, सीपी दैट इज 20 इंटू 100, यानी कि 30 अपॉन 20 इंटू 100 करके हम बता सकते हैं कि ओके कितना हुआ, सो 50% प्रॉफिट हुआ, राइट. यही अगर चेंज करो, समझ लो हमको एसपी निकालना हो, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमको एसपी नहीं मालूम है, तब कैसे निकालोगे. समझ लो तुमको इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कि चलो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, एसपी क्या होगा. तो ऐसे में तुम देखते हो सीपी पता है, पी परसेंट पता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो 5 नंबर कैसे निकालोगे. तो ऐसे में एसपी का फॉर्मूला होगा 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 5 परसेंटेज का कोई 100 नहीं है, नीचे 100 इंटू सीपी, सो दैट इज 105 अपॉन 100 इंटू 20, सो हो गया 20 बाई 105 आया, सो हमारा आंसर आ गया 21। ओके, सो इसका मतलब एसपी वॉज 21 रुपीज। सो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज, हम इन्हें फॉर्मूलाज को यूज करके हम बहुत सारे सम्स करेंगे। हाँ, एक और पार्ट है, जैसे ये पार्ट 5 और 6, मैंने बोला एसपी का फॉर्मूला अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी का फॉर्मूला अगर लॉस परसेंट दिया हो, इसी से तुम दो फॉर्मूलाज और निकाल सकते हो। सीपी, अगर सीपी ही निकालना पड़ जाए, क्योंकि सीपी नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो सीपी निकालना पड़े तो देखो इसी फॉर्मूला को, सीपी निकालना हो तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या होगा 100 अपॉन नीचे हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। सिमिलरली अगर लॉस दिया हो और हमको सीपी निकालना है तो हम इस फॉर्मूला में करेंगे, सीपी क्या होगा इसको हम साइड भेजेंगे, सो होगा 100 ऊपर नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। सो ये रहे हमारे पास वो 8 फॉर्मूलाज जिससे हम अभी सम्स करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के, डिस्काउंट और टैक्स के तो अभी अलग होंगे। सो चलो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पहले दो सम्स। सो नंबर फर्स्ट में भी कॉन्सेंट्रेट करें, आदित्य बॉट अ म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹37,500, उसने इतने में खरीदा, दैट मीन्स इट्स कॉस्ट प्राइस, एंड आफ्टर स्पेंडिंग ₹2,500 ऑन इट्स रिपेयर्स ही सोल्ड इट फॉर ₹41,600, ये है उसका सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये रिपेयर वाले मनी का क्या करेंगे, सो बिकॉज रिपेयरिंग का जो खर्चा लगा वो भी तो वो अपने सेलिंग प्राइस पे जोड़ेगा ही ना, मतलब सेलिंग प्राइस से निकाले गए, सो इसका मतलब है जो सीपी है वो सिर्फ 37,500 नहीं है, प्लस ये रिपेयर वाला रुपया भी वो उसी के अंदर डाल देगा। सो उसकी टोटल सीपी क्या हुई, सबसे पहले तो ये देखें, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम हुआ 37,500 में वो खरीदा, प्लस उसके रिपेयरिंग के खर्चे लग गए 2,500, सो उसको कितने लगे टोटल में, कॉस्ट हुआ उसका 40,000 रुपीज, ये उसकी सीपी है। टोटल एसपी कितनी है, यानी सेलिंग प्राइस, उतने कितने में बेचा, उसने बेचा है 41,600 में, ज्यादा में बेचा है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो हम बोलेंगे एज SP is greater than CP, therefore profit कितना हुआ, profit हुआ है SP में से CP minus किया, यानी कि 1600 का उसको profit हुआ। लेकिन question में बोल रहा है gain या loss percent निकालो, gain मतलब profit ही तो होता है, so gain percent या profit percent क्या हुआ, so profit percent का formula लगा दो, उसमें है profit ऊपर कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी नीचे इंटू 100, और ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देखो तुम लोग एक काम करो, कॉपी में ये सारे फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था 8 फॉर्मूलाज वो सारे लिख के रखो, एक कॉपी सामने खुले रखो, अभी फॉर्मूलाज देख देख करके करो, थोड़ी देर बाद में तो याद ही हो जाएगा, ऑब्वियस शुरू में याद तो नहीं रहेगा, तो देख देख करके करो फिर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी खुली हुई होनी चाहिए फॉर्मूला वाली। नाउ 1600 अपॉन हमने कॉस्ट प्राइस नीचे रखा, सोचिए टोटल सीपी रख रहे हैं 37,500 नहीं रख रहे, इंटू 100, 1 2 1 2 0, ये 2 सब कट गए, 4 4 16, यानी 4% का उसको गेन हुआ है, ठीक है। नाउ देखो सेकंड नंबर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां लिखा हुआ है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बॉक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, ना हमको ये पता है कि 25 बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है और ना ही ये पता है कि 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस कितना है, तो हम कैसे निकालें, पूछ रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमारे पास सिर्फ यही हिंट है कि 25 बुक्स को खरीदने में जितना भी रुपया लगा, 20 बुक्स को बेच के हमको उतना रुपया मिला, ठीक है। सो हम ऐसे में क्या माने, कुछ तो लेट करना पड़ेगा, सो हम लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट The CP of one book, एक बुक की CP मान लो, क्या इसमें X मत मानना, इसमें मानो 1 रुपी, X मान के कर सकते हैं, बट X करने से ना बहुत लास्ट में जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ये वाले सब, ठीक है, बहुत से सब X से बहुत इजी हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे में 1 रुपी मानो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या माना, चलो मान लिया दैट CP of one book is ₹1, उसने कितने बुक्स खरीदे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स की बात हो रही ना, सो देयरफॉर सीपी ऑफ 25 बुक्स कितना होगा, एक बुक उसको अगर 1 रुपए में मिल गए, सो 25 बुक्स उसको मिलेंगे 25 रुपीज में, ठीक है।
सीपी ऑफ 25 बुक्स पता चल गया। अब हम क्या निकाले, यहां पे एक और चीज दिया है 20 बुक्स, तो चलो 20 बुक्स की सीपी कितनी होती, सीपी ऑफ 20 बुक्स कितनी होती, अगर वन बुक की सीपी 1 रुपी है तो 20 बुक्स की 20, ठीक है। और एसपी कितना होता 20 बुक्स का, एसपी ऑफ 20 बुक्स कितना होता, वो यहां लिखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स के, दैट इज रुपीज 25, ठीक है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हमको पूछा गया है गेन या लॉस निकालो। जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है हमको पता होना चाहिए एसपी कितना है, सीपी कितना है, ठीक है, और वो भी सेम क्वांटिटी का। अभी हमको सेम क्वांटिटी का एसपी सीपी निकालने के लिए हमने ये सारा किया। इसको करने से क्या हुआ, देखो हमारे पास 2 सीपी है और 1 एसपी है, लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे जहां तुमको सेम क्वांटिटी दिखे। तो देखो यहां पे दिख रही है 20 बुक्स की सीपी पता है, 20 बुक्स की एसपी पता है, यानी कि हम इन दो को यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों ही 20 बुक्स की है, एक 20 और एक 25 लेकर के तो नहीं हो सकता, तो हम खाली इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फर्स्ट वाले पे नहीं। सो अब देखो 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 20 है, 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस 25 है, मतलब ज्यादा में बिकी, दैट मीन्स इट इज प्रॉफिट। सो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 20, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो यहां पे बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज का वही फॉर्मूला है, ऊपर प्रॉफिट कॉपी में दिख रहा है ना, नीचे सीपी इनटू 100, दैट इज ऊपर 5, नीचे सीपी कौन सा लोगे, बात 20 बुक्स की हो रही है तो 20 बुक्स वाली सीपी, दैट इज 20 अपॉन 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जब भी इस तरीके के सम दे हमेशा याद रखो कि या तो 25 बुक्स या 20 बुक्स, यहाँ दो था, इनमें से किसी भी एक काम को सीपी एसपी दोनों कैसे भी निकालना है, यहाँ पे इजी था 20 बुक्स का निकालना। ओके, लेट्स सी व्हाट आवर थर्ड सम सेज, अ मैन सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1710, ये कैमरा की एसपी बता दिया, लूजिंग 5% यानी ये लॉस परसेंट है, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द कैमरा टू गेन 5%। तो उसने अपना एक कैमरा बेच दिया 1710 में, यानी कि उसकी जो एसपी है कैमरा की वो पता है 1710 में, और ये बेचते वक्त उसको लॉस हो गया, कितना परसेंट का लॉस हुआ, 5% का, और अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत दाम में बेच दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितने में बेचे जिससे उसको 5% गेन हो जाए, यानी हमारा अब क्वेश्चन आ रहा है वो कितने में बेचे कि उसका इस बार प्रॉफिट परसेंट हो जाए 5। तो हम कैसे निकालें इसको, इससे एसपी और लॉस से तुम अगर चाहो तो सीपी निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, राइट। और कैमरे का सीपी तो सेम ही है, बेच रहे उसको अलग अलग दाम में, इसी सीपी को हम यूज कर लेंगे यहां पे, तभी निकलेगा एसपी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप पे काम होगा। तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकालते हैं। और सीपी का फॉर्मूला क्या है, जब लॉस परसेंट दिया हो तो बुक में देखो, सीपी का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, एम आई राइट, ठीक है ना, ये था। सो 100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज 95 इंटू एसपी था हमारा 1710, ठीक है। सो ये 5 से जा रहा है, सो हमारा आंसर आ गया 1800, ठीक है। अब सीपी क्योंकि पता चल गया कैमरे का तो हम यहाँ लगा सकते हैं, हमको पता चल गया सीपी इतना है। अब एसपी निकालो, तो अब हम एसपी वाला फॉर्मूला यूज करें। एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यानी 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1800, 105 अपॉन 100 इंटू 1800, सो कितना हुआ, सो 1890। तो जो चीज उसने सेल की 1710 में, वो उसको एक्चुअली सेल करनी चाहिए थी 1890 में। सो हमारा नेक्स्ट सम ये रहा, सतविंदर बॉट 2 फैंस फॉर ₹3605, 3605 में वो 2 फैंस खरीद करके लाया, ठीक है, ईच नहीं लिखा है, यानी दोनों का प्राइस मिला के इतना। शी सोल्ड 1 at a profit of 15% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 9%,
इफ ही ऑब्टेन्ड सेम अमाउंट फॉर ईच फैन, इसका मतलब उसने सेम अमाउंट में बेचा, यानी दोनों फैन की अगर एस पी सेम हो, फाइंड द सी पी ऑफ ईच फैन. तो हमको दोनों का मिला के दे दिया 3605, दोनों के बराबर सी पी भी नहीं है, तो हम ऐसे में एक फैन के सी पी को एक्स मान लेते हैं. ऐसे में कॉलम बना के सम करोगे तो बहुत अच्छे से रहता है, बहुत नीट लगता है. जैसे हमने यहाँ पे किया फर्स्ट फैन के बारे में सारे कैलकुलेशन, यहाँ सेकंड फैन के बारे में करते हैं. सो फर्स्ट फैन का हम सी पी को क्या करते हैं, एक्स रुपीज लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितने में लिया. तो सेकंड फैन की सी पी कितनी हो जाएगी, टोटल 3605 था ना, उसमें से एक्स रुपीज माइनस कर दो, ये सी पी हो गई सेकंड फैन की. फर्स्ट फैन को समझ लो उसने प्रॉफिट में बेचा 15%, और सेकंड वाले को लॉस में बेचा 9%. हमको इतना पता है दोनों की एस पी सेम है, तो पहले निकाल लें दोनों की एस पी. इसकी एस पी प्रॉफिट वाला फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. ठीक है, इसको और छोटा भी कर देते हैं. अभी इसका एस पी पहले निकाल लें, इसमें वही है लॉस है था इसमें तो. सो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, सो 91/100, और ये पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई है. ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सी पी सेम है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं. अब देखो मैं इसको काट नहीं रही, कट रहा है लेकिन नहीं काट रही, उसका रीजन देखो. अभी क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल है. ओके, सो देखो ये नीचे का 100 ऐसे ही कट गया, तो हमारा सम जो है कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया. इसीलिए मैं रोक करके रखी थी कि लेट्स सी, अगर वहां पे भी 100 आए तो हम साथ साथ काट देंगे. अब क्या है, अब x वाले पोर्शन एक तरफ रखना है तो उधर कैलकुलेशन करते हैं. 115x = 91 को इससे मल्टीप्लाई करें. ठीक है, सो 91 को मल्टीप्लाई करते हैं 3605 × 91, सो 3280 55 − 91x. अब x वाला क्वेश्चन उधर रख लो, प्लस 91x हो जाएगा. सो ये जब 91 ऐड होगा सो ये होगा 206x = 3280 55. क्या ये पूरा कटेगा ये नंबर, तो कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा, पॉइंट में आना तो नहीं चाहिए. सो किससे काटे, सो मैंने इसको काटा तो हमारा आंसर आया 1592.50, यानी फर्स्ट पेन का सीपी पता चल गया. अभी सेकंड का क्या होगा, सो सेकंड की जो सीपी है वो होगी टोटल में से तुमको ये माइनस करना है 1592.50. सो इस वीडियो में हमने खत्म किया प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, ये पार्ट किया. बट अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको डिस्काउंट वाला पार्ट करना है, टैक्स वाला पार्ट करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बट एक चीज का ध्यान रखो, कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो कैलकुलेशन से मत घबराना. जैसे कि ये लास्ट सम था, जैसे कि और भी बहुत सारे सम्स होंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो आराम से बैठ के रफ में सॉल्व करो, बिकॉज हर सम ईजी नहीं होता, हर सम का कैलकुलेशन भी ईजी नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज सोच के करो, जैसे जैसे हायर क्लासेस में आ रहे हो वैसे वैसे थोड़े से टिक्की सम तो होंगे ना. ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो अभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद.